पंजाब के अमृतसर में विजयदशमी के दिन रावण दहन के दौरान हुए हृदय विदारक ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों की शोक में हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी और महानगर समाजवादी पार्टी यूजन सभा अमृतसर ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों को हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के सदस्यों ने शनिवार को टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष शोक सभा का आयोजन किया। कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने गांधी प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती जलाकर मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विजय श्रीवास्तव, महेंद्र सिंह राणा, सत्येंद्र यादव, संतोष श्रीवास्तव, मकसूद आलम, रईस आलम, शंभु शेख, आफताब आलम, कीर्तिनिधि पांडे, शबीर कुरैसी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी ने कहा। आज हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के बैनर तले गोरखपुर टाउन हॉल गांधी प्रतिमा के समक्ष हम लोग इकट्ठा हुए। पंजाब के अंदर जो ट्रेन हादसा हुआ वो इतना बड़ा हादसा हुआ कि हमारे सैकड़ों की संख्या में निर्दोष लोग मारे गए जो विजयदशमी के दिन आए थे जुलूस देखने। अमृतसर के अंदर रेलवे प्रशासन की एक गलती है कि उन्होंने ट्रैक पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं किया और वहां पर ऐसे संवेदनशील जगह पर अनुमति क्यों दी गई कि इतना बड़ा भीड़ लगाया जाए, रावण दहन किया जाए, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और लोग ट्रेन के हादसे में मारे गए।